Thank you.
मेरा नाम अलीना और मैं गिलगित की रहने वाली हूँ और मैं हुंदा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं माउंटेन स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट हूँ। मुझे असल में मेरे बाबा ये स्कूटी लेकर आए थे मेरे लिए ताकि मैं चला सकूँ इसको और मैं जहाँ पर जाना चाहूँ इंडिपेंडेंटली जा सकूँ। और असल में लोग पॉजिटिव भी कमेंट्स देते हैं, नेगेटिव भी कमेंट्स देते हैं, लेकिन एज अ वूमन, एज अ गर्ल, शायद मुझे लगता है कि ये सही चीज़ है मेरे लिए। मुझे कहीं पर भी जाना हो मैं खुद से चली जाती हूँ इंडिपेंडेंटली, और ना मुझे किसी का वेट करना होता है कि मुझे लेकर जाओ या मुझे कहीं पर जाने के लिए किसी की, मतलब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। पता था कि हम बहुत लेट हो जाते थे और मतलब जहाँ पर जाना हो वहाँ पर हमें रश में हम लोग होते थे, लेकिन जब अभी जब मेरे पास ये आई है, स्कूटी आई है, तो मैं अब जहाँ पर भी जाना हो अपने टाइम पे तैयार होकर अपने टाइम पे निकल जाती हूँ। और एकेडमी जाना होता है और एकेडमी मेरा मतलब तकरीबन आधा घंटा दूर है मेरे घर से, तो मुझे वहाँ जाना होता है और स्कूल जाना होता है, मतलब जहाँ पर भी जाना हो तो मैं इसी में चली जाती हूँ। ये कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अपनी बेटियों के लिए लेकर आए, ये बहुत सेफ़ है। और मैं बाकी दूसरे लोगों को, आवाम को ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आहिस्ता चलाएं आप लोग, थोड़ा सा हमें भी थोड़ा रास्ता दें कि मतलब हम भी चला सकें सही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नुज़हत है और मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं गिलगित में रहती हूँ। और जब से अलीना ने स्कूटी लिया है तो मेरे लिए भी बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि हम जहाँ जाते हम साथ ही जाते हैं। पहले हम एकेडमी जाते थे, हम चल के जाते थे और हमारे दूर होता था, इसीलिए हमने एकेडमी भी छोड़ दिया था। लेकिन अभी हम रात 6 बजे वापस आते हैं, तब तक शाम हो जाती है, फिर भी हम जो है ना आराम से अपने आ जाते हैं आराम से, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि गिलगित में बिल्कुल भी ये फ़र्स्ट टाइम है और सारे लोग हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं, कुछ लोग तो बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, बट हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें इस तरह की चीज़ें और सामने लानी चाहिए और हमें अपने लड़कियों को, वुमेन को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए और उनको हमेशा उनके राइट्स देने चाहिए।